देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर देखने को मिल रही है। देश के 5 राज्यों में कोरोना के नए मामले बहुत तेजी से सामने आ रहे हैं, तो वहीं राजधानी दिल्ली में अब भी कोरोना के रोजाना आने वाले केस तेजी से बढ़ रहे हैं। इस वजह से दिल्ली सरकार की चिंताएं बढ़ने लगी है। इस बीच दिल्ली सरकार ने 3T प्लान तैयार किया जो कोरोना के नए मामलों की रोकथाम के लिए काम करेगा। क्या है दिल्ली सरकार का 3T प्लान? दरअसल दिल्ली सरकार का 3T प्लान है टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट। इसी फॉर्मूले पर दिल्ली सरकार ने अपनी रणनीति तैयार की है। बता दें कि इसी तरह का प्लान एक यूपी सरकार ने भी तैयार किया था जो काफी कारगर रहा। इस योजना में दिल्ली के अंदर बड़े स्तर पर टेस्टिंग अभियान चलाया जाएगा, साथ ही किसी व्यक्ति के कोरोना संक्रमित पाए जाने पर उन लोगों को ट्रैक किया जाएगा जो उस व्यक्ति के संपर्क में आए। इसके अलावा सरकार वैक्सीनेशन अभियान में भी तेजी लाएगी। वैक्सीनेशन के लिए तो दिल्ली सरकार ने हाल ही में सभी सरकारी अस्पतालों में कम से कम 6 वैक्सीनेशन सेंटर शुरू करने का ऐलान किया। इसके अलावा हर वैक्सीनेशन सेंटर पर 12 घंटे तक टीका लगाने की घोषणा की है। दिल्ली के 129 वार्ड पर रखी जाएगी सबसे ज्यादा नजर। दरअसल सीएम केजरीवाल की अध्यक्षता में एक बैठक हुई और इस नई रणनीति पर चर्चा हुई और बताया कि ऐसे वार्ड जहां कोरोना की जांच के लिए टेस्टिंग और वैक्सीनेशन कम हुआ है, अब उन पर ज्यादा फोकस होगा। दिल्ली में कुल 276 वार्ड है, इनमें से 129 वार्ड पर सबसे ज्यादा नजर रखी जाएगी। इन वार्ड में 50% या उससे भी कम लोगों में एंटीबॉडीज है। अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।